إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل ذلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريد افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النذيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبعه كل كذب الرسل فهق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم بالقران والايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثه بدعه وكل بدعه دلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله व मनकानत हिजरतुले दुनिया यूसी बुहा ओ इमरती हिजरत हुई मुतफन आलई महतरम सामिन अज़ीज़ दोस्तों नीज़ खुतब जुमा सुन रही मिलत इस्लामिया की माँ और बहनों ये रबी उव्वल का महीना है और इसी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी हिजरत क्या था हिजरत एक नए बाब का तलु उठा एक ऐसा सफ़र था कि जिस सफ़र ने इस्लाम की कमज़ोरी को ताकत से बदल दिया पहले इस्लाम कमज़ोर था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तेरह साल तक लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे लेकिन चंद ही लोग ईमान लाए फिर अल्लाह के नबी हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए मदीना आपका जाना था कि पहले अनसार अहले मदीना आसपास के कबाइल और उसके बाद में पूरा अरब नबी करीम अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया तो ये बहुत अहम सफ़र था तो आइए जानते हैं कि ये हिजरत क्या है हिजरत क्यों की जाती है कैसे की जाती है तो जो हिजरत है ये अरबी का लफ्ज है हिजरत का माना होता है छोड़ना तरक करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वतन छोड़ा मक्का को छोड़ा और मदीना तशरीफ ले गए तो ये हिजरत है यानी वतन को छोड़ना घर को छोड़ना ये हिजरत कहलाता है साहब कराम रजील्लाम ने भी अपने वतन को छोड़ा आपके साथ मदीना तशरीफ ले गए तो उन्होंने भी हिजरत की और उनको महाजिर कहा जाने लगा तो ये जो हिजरत होती है ये एक वक्त ऐसा आता है कि हिजरत हम पर फ़र्ज हो जाती है तो हिजरत कब फर्ज होती है जब आप जहां रह रहे हैं वहां पर आप अपने दिन पर अमल ना कर सकें दीनी शायर का इजहार ना कर सकें दीन की जो चीज़ें हैं उसका ऐलान ना कर सकें उसको छुपा के करें लोगों के डर से आप दीन पर अमल ना कर सकें और आपको ये कुदरत हासिल हो ताकत हासिल हो कि आप उस जगह उस बस्ती को छोड़ करके के किसी ऐसी बस्ती में जाएं, किसी ऐसे मुल्क में तशरीफ़ ले जाएं, जहां पर आप ऐलानिया इस्लाम के शायर पर अमल कर सकते हो अगर ये ऐसी सूरत हाल है ये सूरत हाल है तो हिजरत वाजिब है दूसरी सूरत हाल ये है कि आप जो है अपने वतन में अपने मुल्क में जहां आप रहते हैं इस्लाम के शायर पर अमल कर सकते हैं लेकिन आप हिजरत पर कादिर हैं किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जिस मुल्क के लोग ज़्यादा परहेजगार हैं ज़्यादा नेक हैं वहाँ इस्लाम का अलग ही जलवा है तो ऐसी सूरत में हिजरत करना मुस्तहब है लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल हो कि आप जहां रह रहे हैं वहां पर आप दीन के शायर का इजहार कर सकते हो, दिन पर अमल कर सकते हो, इबादत हैं इसी तरह से नमाज रोज़ा अजान और दीगर चीज़ें आप उन पर अमल कर सकते हो, और आप हिजरत करने पर कादिर ना हो आप के लिए कोई रास्ता ना हो हिजरत करने का आजकल के वक्त में जो हिजरत थी वो हिजरत एक तरह से बंद कर दी गई है अभी क्या होता है कि जिस मुल्क में लड़ाई होती है फितना फसाद होता है खाना जंगी होती है वहाँ के लोग हिजरत करके जाते हैं जैसे मुल्क शाम है मुल्क शाम में लड़ाई हो रही थी इराक़ में लड़ाई हो रही थी वहाँ के लोग हिजरत करके यूरोप गए बहुत सारे ममालिक ने पनाह दी लेकिन जो ममालिक पनाह देते हैं वो आपको पनाह गुजी कहते हैं आपको रिफ्यूजी कहते हैं जगह दे देंगे वहाँ पर आप रहिए आपको जिनसिया या शहरीत या नेशनलिटी नहीं देने वाले आप वहाँ पे चाहे 60 साल रहिए चाहे आपकी दो नस्ल रहे चाहे तीन नस्ल रहे आप रिफ्यूजी हैं मुहाजिर हैं फिर आपका मुल्क जब सही हो जाएगा तो आपको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा तो ये सूरत हाल है और पहले क्या था पहले अगर कोई दूसरे मुल्क में पहुँच जाता था दूसरी जगह चला जाता था और वहाँ पर वो रहने लगता था तो उसको नेशनलिटी मिल जाती थी अभी अफगानिस्तान के बहुत सारे महाजरीन पाकिस्तान में मुक्म हैं रोहंगिया के बहुत सारे महाज्रेन इंडिया में मुफ़ीम है बंगलादेश में मुफ़ीम है लेकिन वो वहाँ के शहरी नहीं हैं वहाँ पनाह हैं रिफ्यूजी हैं तो चूंकि हिजरत करने पर कादिर नहीं है हम अगर हिजरत की सूरत हाल ऐसी हो कि हम हिजरत पर कादिर ना हों और अपने मुल्क में इस्लाम के अहकाम पर अमल कर सकते हूँ तो हमारे लिए हिजरत न वाजिब है ना मुस्तहब है हम जहाँ रह रहे हैं वहीं पर ठहरे रहें यही हमारे लिए बेहतर है तो फिर हम हिजरत का सवाब कैसे हासिल करें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है हजरत आयशा रज़ी रिवायत करती हैं बुखारी और मुस्लिम की हदीस है उन्होंने कहा कि ला हजरत बादल फतः वला जहादी तज़त तुन फिर तुम फ़न फिर कहा कि फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं है क्या था कि मक्का वाले पूरे अरब पर सियासी लिहाज से अखलाक लिहाज से और फौजी लिहाज से गालिब थे खाने काबा होने की वजह से कल्चर और तहजीब उनकी गालिब थी इज्तमीत होने की वजह से शहरी होने की वजह से और तहजीब में तरक्की याफ़्ता होने की वजह से वो पूरे अरब पर गालिब थे वो लोग इस्लाम मुखालिफ थे और चूँकि इस्लाम मुखालिफ थे इसलिए वो सताते भी थे न सिर्फ मक् में रहने वाले मुसलमानों को बल्कि दूर दराज़ के कबाइल को भी सताते थे तो उस वक्त हिजरत का हुक्म था कि जो मक्का में रहता है वो मदीना जाए अल्लाह के रसूल के पास जाए लेकिन जब मक्का फतह हो गया तो फिर पूरा अरब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार हो गया अब कहाँ हिजरत करनी है अब मक्का से अगर कोई मदीना जाता है तो हिजरत हिजरत नहीं है वो क्या है नकले मकानी है मकान ट्रांसफ़र करना है दिन के लिए हिजरत नहीं रही जो दिन के लिए हिजरत करता हो वो मुहाजिर है एक वो होता है जो दिन के लिए हिजरत करे एक वो है जो रोजी रोटी माश और तरक्की के लिए हिजरत करे मान लीजिए कोई यूपी का है आके मुंबई में आबाद हो गया तो ना हिजरत है और ना वो मुहाजिर है शर्य तौर से ऐसा करना जायज़ है लेकिन हिजरत का जो बड़ा सवाब है वो सवाब उसको नहीं मिलने वाला तो जब मक्का फतह हो गया तो उसके बाद हिजरत नहीं रह गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हिजरत बदल फतः फतह मक्का के बाद हिजरत नहीं है जो मक्का में वो मक्का में रहे जो मदीना में वो मदीना में रहे वाला किन व नीयत लेकिन क्या है जिहाद है और नीयत है इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं नमाज है रोज़ा है जक़़त है हज है और इसी तरह से और दीगर चीज़ें हैं वो पर्सनल चीज़ होती है आदमी के ज़ात पर उसकी नीयत पर और उसके अपने अमल पर मुनासर होती है लेकिन दो चीज़ ऐसी होती है कि वो जो है इज्तमाही होती है उसका ऐलान होता है वो पूरे माशरे में जाहिर हो जाता है वो दो चीज़ क्या है एक है जिहाद और एक है हिजरत अगर आप हिजरत करेंगे तो ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं होगी और वो माशरा भी मरूफ़ होगा लोग जानते होंगे कि ये इस्लामी माशरा नहीं रहा यहाँ पर दिन पर अमल आसान नहीं इसलिए लोग हिजरत करने, तो उसका ऐलान होगा और जो हिजरत करता है वो बड़ी तकलीफ़ उठाता है आप यहाँ पे रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं तो एक बच्चा जिस मिट्टी और जिस ज़मीन पर पैदा होता है वैसे ही उसका मिजाज उसका अखलाक उसका दिल और उसका जिसम वैसे ही हो जाता है बिल्कुल उसी सांचे में ढल जाता है बल्कि एक इमाम है वो समाजियात के इमाम इब्ने खलदून उन्होंने एक किताब लिखी है तारीख़ इब्ने खलदून उसका मुकदमा लिखा है मुकदमे में लिखा है कि अगर कोई शहर ऐसा है कि वहाँ की ज़मीन नरम है वहाँ की ज़मीन मैदानी है तो वहाँ के लोग क्या है नरम होंगे और बेहतर अखलाक वाले होंगे और अगर कोई ऐसी ज़मीन है कि वहाँ की ज़मीन जो है पथरीली है ऊंची नीची है टेढ़ी मेढ़ी है तो वहाँ के लोग अखलाक में सख्त होंगे लोग मिसाल पेश करते हैं मक्का और मदीना की मक्का आज भी सख्त है आप मक्का में जाइए और वहाँ पर किसी से रास्ता पूछिए वहाँ के लोगों से दोस्ती की कोशिश कीजिए जल्दी वो सुनने वाले नहीं बताने वाले नहीं है और मदीना में आज भी नरमी है आप मदीना में जाइए वहाँ के लोगों से बात कीजिए सलाम कीजिए आप थोड़ा सा पूछेंगे वो बहुत ज़्यादा बता देंगे इंतहाई तफसील से बात करेंगे मदीना क्या है मैदानी इलाका है और मक्का क्या है पहाड़ी इलाका है तो मक्का में जलाल है और मदीना में क्या है जमाल है तो जो जहाँ पैदा होता है उसका दिल उसकी तबीयत उसका दिमाग वैसे ही बन जाता आप यहाँ पैदा हुए अब यहाँ की जमीन और माहौल के लिहाज से आप सेट हो गए अब एक वक्त ऐसा आया कि आपके ऊपर हिजरत फर्ज हो गई आप यहाँ से जा रहे हैं आपको कितनी तकलीफ होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके जा रहे थे तो मक्का को खिताब करके क्या कहा था कहा था ए मक्का मेरे दिल में तुझसे ज्यादा प्यारी और अजीज सरजमीन कोई नहीं है और अगर यहाँ के लोग मुझको ना निकालते तो मैं कभी नहीं निकलता तो ये जो है इंसान का मिजाज होता है और उसकी तबीयत होती है फिर उसके अलावा समाजी ज़रूरतें भी होती हैं समाज है वहाँ पर आप रहते आपकी रिश्तेदारी है पहचान वाले हैं आपका धंधा है रोजगार है वहाँ पर सेट है वहाँ पर तमाम लोग पहचानते हैं खरीदार भी और ऐसे ही बेचने वाले भी वहाँ आपकी दुकान है वहाँ आपका कारोबार है सब पूरा सेट है अब ऐसा वक्त आया कि आपको वो जगह छोड़ के जो है जाना पड़ रहा है जहाँ आप पैदा हुए जहाँ आपका मिजाज जो है सेट है आप वहाँ से जा रहे हैं जहाँ आपका कारोबार सेट है आप वहाँ से जा रहे हैं जहाँ 20 साल 30 साल या उम्र अजीज का एक बड़ा हिस्सा आपने गुजारा वहाँ से जा रहे कितनी तकलीफ होगी সাহাবা যখন মক্কা সে মদিনা গয়ে তো এক এক হфта দ দ হфта এসে রতে থে হযরত Bilal কো बुखार হুয়া মদিনা কা হযরত Abu Bakr رضی اللہ عنہ কো बुखार হুয়া এসে बुखार और गनুদগি কে आलम में बड़बड़ाते थे कि हाय काश वो सरजमीन में देख सकता जिस सरजमीन में मैंने उम्र गुजारी और वहाँ पर मैं रह सकता इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कहा अल्लाह सुबहान तै हमारे असहाब आए हैं मक्का से मदीना और यहाँ बुखार से जो है ये लोग तकलीफ़ में हैं तो मदीना के बुखार को दूसरी जगह मुंतकिल कर दे सुबहान ने आपकी दुआ सुनी और मदीना का जो बुखार था मरूफ था वो वहाँ से मुंतकिल हो गया तो ये जो हिजरत होती है इसमें आपकी जान पर भी तकलीफ़ आती है आपके मिजाज पर भी तकलीफ़ आती है आपके माइंड पर भी तकलीफ़ आती है आपके कारोबार पर आपके समाज पर आपकी रिश्तेदारी पर आपके मुल्क पर आपके माशरे पर गरीजी की कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती है कि हिजरत की वजह से उस चीज़ के अंदर कोई नुकसान ना पैदा हो कोई कमी ना पैदा हो कोई जो है परेशानी ना हर चीज़ जो है बदल जाती है चेंज हो जाती है और साब कराम रद्मा ने हिजरत की मदीना गए इतनी बड़ी तकलीफ़ जो है उठाई तो जाहिर सी बात है जो इतनी बड़ी तकलीफ़ उठाएगा उसको उतना ज़्यादा सवाब भी मिलेगा अभी जो हदीस मैंने आप लोगों के सामने पढ़ी है उसमें अल्लाह के रसूल सल्ला वम ने क्या अरसाद शरमाए बहुत मशहूर हदीस है इनमल अमाल नियात अमल का दारो मदार नीयत पर होता है वह इन न मकुलम राम माँ नवा और हर आदमी के लिए वही है जिसकी वो नीयत करे फमन कानत हिजरत हो अल्ला व रसूली तो हिजरत ही की मिसाल क्यों दी? क्या वजह थी कि अल्लाह के रसूल यहाँ पर इखलास और अल्लाह सुबहान अमल को बताने के लिए हिजरत की मिसाल लाए हिजरत का नमूना लाए इसलिए कि हिजरत में सब कुछ कुर्बान हो जाता है सब कुछ बदल जाता है तो इबन दकीद ने लिखा है कि कोई शख्स था उसने जो है मदीना हिजरत की और उसने शादी के लिए हिजरत की तो हदीस में आगे है कि फमन तो कानत हिजरत हो एल्ला व रसूल ही तो जिसकी हिजरत अल्लाह और रसूल की तरफ होगी यानी नीयत उसकी क्या होगी अल्लाह का साथ अल्लाह के रसूल का साथ दिन पर अमल व हजरत हो एल्ला व रसूल ही तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए होगी यानी अल्लाह अल्ला उसकी हिजरत को कबूल करेगा वमन मनकानत हिजरत हो ले दुनिया यूसीबा और अगर किसी की हिजरत इसलिए है ताकि वहाँ पर दुनिया कमाए माल कमाए और इमरातीज़ा वजह या किसी औरत के लिए वो हिजरत कर रहा है कि उससे शादी करे फिजरत हो लामा हाजरा तो उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की है यानी फिर उसको दुनिया ही मिलेगी या वो औरत ही मिलेगी और उसको हिजरत का स्वाव नहीं मिलेगा हिजरत का स्वाब बहुत ज़्यादा है अल्लाह अल्लाबहाना तौ अगर कोई हिजरत करके जाए तो हिजरत से पहले उसने जितने गुनाह किए हैं अल्लाह सुबहान हिजरत को उनका कफारा बना देता है यानी हिजरत से पहले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं इतनी अहम है हिजरत तो साहबा जो थे वो हिजरत के सवाब को जखीरा करके रखना चाहते थे हमारे पास हिजरत का सवाब रहे हिजरत का सवाब ख़त्म ना हो टूट ना जाए कैसे टूटता है हिजरत का सवाब अल्लाह के रसूल सल्लाजा में मक्का मक्का आए और में आप कुछ दिन ठहरे तो बहुत सारे सहाबा भी आए हजरत सात बिन नबी वक्स रजीन भी आए हजरत सात बिन नबी वक्का रजियाल्लान्हो मक्का पहुंच करके बीमार हो गए उनको ऐसा लगा कि मैं इस बीमारी में वफात पा जाऊंगा तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत हुआ इसलिए गलत हुआ क्योंकि मैं हिजरत करके मक्का से मदीना गया था फिर वापस मैं मक्का आ गया और यहीं मक्का में हमारी वफात हो रही है तो हिजरत तो हमारी ख़त्म हो गई ये हिजरत का सवाब हमारा चला जाएगा तो ये अफ़सोस की चीज़ है फिर उन्होंने कहा कि लाओ मैं सदका कर देता हूँ उनकी सिर्फ़ एक ही बेटी थी हजरत साहब बिन नबी उक रज़ी उन्होंने तो हजरत सात बिन नबीका रज़ी उन्होंने अल्लाह के रसूल सल असम जब उनकी यादत करने आए तो अल्लाह के रसूल से ज़िक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्ला वसम मुझको बीमारी की तकलीफ़ नहीं है मुझको दो चीज़ों की तकलीफ़ है एक तो ये है कि मेरी हिजरत ना ख़त्म हो जाए अगर मक्का में जो है मेरी वफात हो जाए और दूसरी चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना माल अल्लाह की राह में सदका कर दूँ मेरी एक ही बेटी है वो बहुत ज़्यादा माल लेके क्या करेगी अल्लाह के रसूल ने कहा कि असुलस वसुलस कसीर कहा तुम अल्लाह की राह में सदका करना चाहते हो तो वन थर्ड सदका करो एक बटे तीन सदका करो और ये वन थर्ड भी ज़्यादा है यानी कोई अगर मुरिस मर रहा है वफ़ात हो रही है और वो ये सोच रहा है कि मैं अपना पूरा घर पूरा कारोबार पूरा माल अल्लाह की राह में वसीयत करके जाऊं ताकि मुझे जन्नत मिल जाए और उसके बच्चे हों तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं है वो सिर्फ वन थर्ड में वसीयत करे अल्लाह की राह में अगर सदका करना चाहता है तो एक बटे तीन सदका करे और बाकी अपनी औलाद के लिए छोड़े तो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं हजरत सात बिन नबी अक्कास से कहा कि असुलुस व कसीर कहा एक बटे तीन और ये एक बटे तीन भी ज़्यादा है उससे और कम वसीयत करो और कहा कि लेतजरा आया का ये अननास कहा कि ये इसलिए कि तुम जो है इस तरह से अपने अहलो आयाल को अपने ख़ानदान को छोड़ दोगे कि वो लोगों से सवाल करेंगे तो ये ठीक नहीं है ये दुरुस्त नहीं है बल्कि क्या दुरुस्त है अंतरा अहलका अग्निया मिन तफुफ तुम जो है अपने अहलो आयाल को अपने खानदान वालों को इस तरह से छोड़ो कि वो अग्निया हूँ वो मालदार हूँ और उनको लोगों से सवाल करने की ज़रूरत ना हो और फिर नबी करीम अलैहि वसल्लम ने तसल्ली के लिए हजरत साद बिन नबी वक् के लिए दुआ भी फरमाई कहा कि अल्लाहुम्मा अल्ला इमदी हिजरत हम अल्लाह हमारे सहाबा की हिजरत को जारी फरमा दे लेकिन बेचारे साद बिन खौला ये जो है साद बिन खौला एक दूसरे साहबी थे वो मक्का आए थे और उनकी वफ़ात हो गई थी तो अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने उनसे हमदर्दी का इजहार फरमाया कि उनकी मक्का ही में वफात हो गई और तुम यहाँ पर हो तो अभी नहीं जानते हो कि तुम्हारी वफात होगी कि नहीं होगी और तुम वसीयत करना चाहते हो तो एक बटे तीन वसीयत करो तो हजरत सात बिना बेकास रजीव उस बीमारी से शफा पा गए बहुत दिनों तक जिंदा थे हजरत उमर रजीव के ज़माने में फ़तेह ईरान का कारनामा जो है फातेह कादिसिया जंग कादसिया के फाते यही हजरत भी उकास थे, लंबी उम्र पाई तो बहरहाल सहाबा क्यों डरते थे मक्का में ठहरने से और मक्का में वफात पाने से ताकि हिजरत का सवाब बातिल ना हो जाए और हिजरत का सवाब क्या है हिजरत का सवाब यह है कि अगर कोई अल्लाह सुबहान तला के लिए हिजरत करे तो उससे पहले के तमाम गुनाह उसके माफ हो जाते हैं और वो जो है बिना गुनाह के हो जाता है अल्लाह सुबहाना तौला की तरफ़ से उसको बड़ा अजर मिलता है तो ये हिजरत का सवाब है और ये हिजरत का मतलब है जो वतन होता है जो हमारी सरजमीन होती है वो सरज़मीन हमारे लिए अहम होती है हमारे लिए बेहतर होती है हमारे लिए अच्छी होती है लेकिन ये दीन से बढ़कर नहीं है अगर कोई ये सोचे कि जो हमारा वतन है ये हमारे दीन से बढ़ करके है तो गलत सोचता है के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत की थी उसमें आपने दीन को वतन पर तरजीह दी थी मक्का को आप छोड़ के मदीना गए और उससे पहले हबशा की हिजरत हुई थी साहब कराम मक्का से हबशा सूडान की तरफ एथोपिया की तरफ हिजरत करके गए फिर उसके बाद में वहाँ से वापस आए और दोबारा हिजरत की हजरत स्मान रज़ी जैसे साहबी उन्होंने दो दो हिजरत की एक बार उधर गए एथोपिया और उसके बाद में फिर वापस आए और मदीना की तरफ भी हिजरत की तो इस तरह से जो है हिजरत करते थे ताकि दिन बाकी रहे वतन अगर छूट गया तो कोई मसला नहीं है यानी पहले दीन है पहले ईमान है उसके बाद में वतन है अगर आपका ईमान सलामत है आपका दिन सलामत है तो वतन से भी मोहब्बत कीजिए और वतन ही में रहिए लेकिन अगर दीन सलामत नहीं है तो फिर वतन का माना नहीं है वतन का कोई मतलब नहीं है कोई मकसद नहीं है क्योंकि जो वतन आखिरत को ख़राब करे जो वतन दीन को ख़राब करे जो वतन हमारे ईमान को ख़राब करे वो वतन वतन नहीं है अगरचि वो हमको महबूब हो लेकिन वो हमारे रास्ते का कांटा है उससे अगर हम छुटकारा पा लें और दिन पर अमल करें तो ये जो है बहुत अच्छी बात होगी नबी करीम अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत है एक बार गुनाहों से तोबा करने की एक मिसाल बयान की और वो मिसाल क्या थी वो एक कातिल की मिसाल थी एक कातिल था सईद खुदरी रजों की रिवायत है कि काना फीमन काना कबल कुम रजुल कतला तसिया नफ्सा कि एक आदमी था पहले ज़माने में और उसने निन्यानवे लोगों को कत्ल किया था जब निन्यानवे लोगों को उसने कत्ल किया तो उसके दिमाग में आया क्या दिमाग में आया कि अगर मैं तोबा कर लूँ तो क्या अल्लाह सुबहानु मेरी तोबा कबूल करेगा फजल अला राहबिन तो लोगों ने उसको एक राहिब का पता बता दिया राहिब क्या होता था ईसाई मजहब में राहिब वो होता है जो गिरजाघर में जो कलीसा में रहता है और इबादत करता है उसके पास इल्म नहीं होता लेकिन रियाजत होती है परहेजगारी होती है इबादत होती है इल्म उतना नहीं होता तो राहिब के पास भेजा गया राहिब से इसने अपने मसले का जिक्र किया अपनी परेशानी बताई कि मैंने निन्नावे लोगों को कत्ल किया है तो क्या अल्लाह सुबहान तला मेरी तोबा कबूल फरमाएगा राहब नाराज़ हो गया कहा नन्यावे लोगों को मार करके आए हो और तोबा करना चाहते हो सत्तर चूहे खा के अब बिल्ली हज को चली अब इनकी तोबा कबूल होगी अब उसको गुस्सा या कातिल था ही और तोबा से नाउमीदी भी हो गई कि अल्लाह सुबहान तला हमारी तोबा नहीं कबूल फरमाएगा उसने जो है तलवार निकाली और राहब की भी गर्दन उड़ा दी फ्कम मला बेही मियाँ तो उसने क्या किया कि सब पूरा कर दिया गया घर गया और कुछ ज़माने तक ठहरा रहा जब तक अल्लाह सुबहान तौला ने उसके लिए लिख रखा था उसके बाद में फिर उसको हलचल हुई तहरीक हुई तरगीब हुई कि हिलाओ तोबा कर लें फिर उसने लोगों से सवाल किया कि मैं तोबा करना चाहता हूँ और मुझे किसी जो है आलिम का पता बताओ मैं उससे मसला पूछना चाहता हूँ तो इस बार लोगों ने उसको एक आलिम का पता बता दिया राहिब के बजाय आलिम का आलिम के पास हो गया तो उसने कहा कि इन्नी कतल तो तिसाऊ तिसना नफसा कहा मैंने जो है नन्यानवे लोगों को कत्ल किया है फहल्ली मिन तोबिन तो क्या जो है मेरे लिए तोबा है तो आलिम ने कहा उमई ये खूलो बी ना वो बीना तोबिक कहा तुम्हारे और तोबा के दरमियान कौन सी चीज़ हायल है अभी तो सूरज मगरब से नहीं निकला जब सूरज मगरब से निकलता है तब जा कर के तोबा का दरवाज़ा बंद होता है कौन हायल है तुम तोबा कर लो उसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ लेकिन तोबा का तरीक़ा बताइए तो तोबा का तरीक़ा होता है क्या होता था यहूदियों में और ईसाइयों में ईसाई लोग आज भी जब कोई गुनाह करता है तो जाकर के पादरी के सामने फादर के सामने अपने गुनाह का इकरार करो बोलो कि मैंने ये गुनाह किया है फिर अल्लाह अल्ला माफ़ करेगा ऐसा होता है इस्लाम ने इस चीज़ को ख़त्म कर दी अगर आप तोबा करना चाहते हैं तो किसी आलिम के सामने ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गुनाह का इकरार करें बल्कि अल्लाह सुबहान डायरेक्ट बात करें और जो शराइ हैं जो तरीक़े हैं किसी आलिम से पूछ लें तो बहरहाल उस आलिम ने बताया कि ठीक है तुम्हारी तोबा कबूल होगी लेकिन तुम्हारे लिए तोबा का तरीका ये है कि तुम जिस बस्ती में रहते हो वो बस्ती बहुत बुरे लोगों की बस्ती है वहाँ पर शरीर लोग रहते हैं फसादी लोग रहते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर उस बस्ती में तुम रहे तो अल्लाह सुबहानू तुम्हारी तोबा कबूल नहीं करेगा क्योंकि तुम वैसे ही रहोगे जिस सोहबत में रहोगे जिन लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही अमल करोगे तो तुम्हारे लिए तोबा का तरीका यह है कि तुम फला बस्ती की तरफ हिजरत कर जाओ ये छोड़ो वहाँ जाओ वहाँ पर नेक लोग बसते हैं वहाँ जब जाओगे तो अच्छी अच्छी आदतें सीखोगे अच्छे लोगों के बीच में रहोगे तो अल्लाह की ज़्यादा याद आएगी फिर तुम तोबा करोगे तो अल्लाह सुबहान तुम्हारी तोबा को बोल तो ये भी एक हिजरत है यानी आप जहाँ रहते हैं वो बुरे लोगों की बस्ती है वो ऐसी बस्ती है कि वहाँ सिर्फ शरीर लोग रहते हैं कमीने लोग रहते हैं और आप भी उनके साथ बुराई के रंग में रंग जाते हैं तो अब बुराई से बचने के लिए आपके लिए रास्ता है कि वो बुरी जगह छोड़ो किसी ऐसी जगह ऐसे शहर में जाके आबाद हो जाओ जहाँ नेक लोग रहते हों ये कातिल वहाँ से चला अल्लाह का करना ऐसा था कि अल्लाह ने उसकी मौत लिख रखी थी हत्ता ईज़ा नसफत तरीक़ अदरकहुल मौत जब रास्ते के बीच में पहुंचा तो उसको मौत आ गई अब वो जा रहा है तोबे के इरादे से बुरे गांव, बुरे शहर को छोड़ करके अच्छे गांव की तरफ ताकि वो तोबा करे बीच रास्ते में उसको मौत आ गई फख्तलफत आलही है रहमा व अजाब। तो अजाब के भी फरिश्ते आ गए और रहमत के भी फरिश्ते आ गए और दोनों झगड़ा करने लगे तो अजाब के फरिश्ते कह रहे हैं इन यामल ख़ैरन कत् इरादा कि सिर्फ़ किया था लेकिन अभी तक इसने एक भी नेकी का काम नहीं किया है और जो रहमत के फरिश्ते थे उन्होंने कहा जा तायबन जायबन मकबल्ला कहा ये तो तोबा करने जा रहा था अल्लाह की तरफ मुतवजा होने के लिए जा रहा था इसलिए हम इसकी रूह ले जाएंगे तो अल्लाह सुबहान तला ने एक और फरिश्ते को आदमी की शक्ल में भेजा और इन दोनों फरिश्तों के बीच में उसने हकम का काम किया उस हकम ने कहा कि जमीन नापो किस बस्ती से ज्यादा करीब है फकासु माँ बे तो लोगों ने जमीन नापी तो ये नेकोकार बस्ती की तरफ एक बालिश्त बढ़ गया था और बुरी बस्ती से एक बालिश्त दूर आ गया था तो अल्लाह सुबहान तला का फैसला आया कि इसकी रूह रहमत के फरिश्ते कब्ज करेंगे और एक और रिवायत में है कहा कि जब वो मर के गिरने लगा फतबा अदा बेसदरी न वहाँ तो जो नकोकार बस्ती थी उस बस्ती की तरफ अपने सीने के बल घिसट के एक बालिश थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका वही एक बालिश्ट आगे बढ़ना अल्लाह को पसंद आ गया और उसकी ये हिजरत कबूल हुई उसका तोबा कबूल हुआ और निन्यावे बल्कि सौ लोगों को कत्ल करने के बाद भी अल्लाह सुबहान उसको माफ़ कर दिया तो ये हिजरत होती है आज की जो हिजरत है वो हिजरत ऐसे ही है यानी जहाँ फसादी लोग रहते हों वहाँ से मुंतकिल होकर के अच्छे मोहल्ले में चले जाइए एक और हिजरत है जिसको हजरत अमल कहा जाता है हजरत अमल में है कि वल महाजिर मन हजरा माँ ना अनहो मुहाजिर वो है जो उस चीज़ को छोड़ दे जिसे अल्लाह सुबहान मना किया है तो हिजरत माने छोड़ना होता है अल्लाह सुबहान मना किया है कि जो है वालदेन की नाफरमानी न ना करो आप जो है इस नाफरमानी को तरक कर दें नमाज आप नहीं पढ़ते हैं अल्लाह सुबहान नमाज के तर्क से मना फरमाया है आप नमाज़ पढ़िए ये हुक्म दिया तो इस तर्क को छोड़ दीजिए उस पर अमल कीजिए इसी तरह से अल्लाह अल्लाहान तला ने बहुत सारी चीज़ें हराम की हैं शराब है और बहुत सारी चीज़ें हैं तो उस हुरमत का पासो लिहाज कीजिए उसको छोड़ दीजिए तो इस छोड़ने को इस तरक करने को भी हिजरत कहते हैं और इससे भी हिजरत का सवाब मिलता है तो ये जो है आज के वक्त में आज के दौर में हिजरत की ये शक्ल है और इस तरह से हम हिजरत करके सवाब हिजरत का पा सकते हैं यानी हम बुरे अमल को छोड़ दें और मासी को छोड़ दें नाफरमानी को छोड़ दें और अगर कोई महल्ला ऐसा है कि वहाँ शैतान लोग रहते हैं बुरे लोग रहते हैं जो बुराई पर उभारते हैं और अहले ईमान के ईमान में जो है वो रखना डालते हैं तो फिर हमको उस महल्ले को छोड़ देना चाहिए इसी तरह से एक हिजरत आती है उस हिजरत को कहते हैं हिजरत आमिल हिजरत आमिल का मतलब क्या होता है कोई शख्स है वो बुराई करता है तो जब वो बुराई करता है और हम उस बुराई को देखते हैं तो बुराई मतदी होती है यानी बीमारी फैलती है एक से दूसरे को दूसरे से तीसरे को तो जो समाज सेहतमंद होता है समाज अच्छा होता है वो क्या करता है उस बुरे आदमी का बाइकाट कर देता है जब उसका हम बाइकाट कर देंगे वो खुद को तनहा महसूस करेगा अलग थलग महसूस करेगा तो फिर वो बुराई को छोड़ देगा तो ये दबाव होता है समाजी यानी हजरत आमिल के तहत समाजी बाइकाट अल्लाह के रसूल ने किया है हजरत जो है काब बिन मालिक गजवे तबुक में पीछे रह गए थे बिना किसी उज्र के तमाम लोग गए थे पीछे रह गए थे तो अल्लाह के नबी अलैहि वसम ने साहबा को हुक्म दिया कि हजरत काब बिन मालिक का बाट करें तो ये भी एक हिजरत है कि जो बुराई कर रहा है समाज उसको तनहा छोड़ दे उसको अलग छोड़ दे लेकिन आज के वक्त में इसको थोड़ा सोच समझ के लागू करना होगा क्या होता है कि हजरत काब बिन मालिक की जब बाईकाट अल्लाह के नबी सल वसलम ने किया तो क्या हुआ कि उधर से एक नबती के हाथ जो मुल्के शाम से मदीना गल्ला वग़ैरह बेचने आता था उधर जो है हेरा और गसासना के जो बादशाह मुल्के शाम के सरहद पर रहते थे उन्होंने ख़त लिखा हजरत काब बिन मालिक को कहा हमने सुना है कि तुम्हारे साहब ने तुमको छोड़ दिया तुम बड़े शरीफ आदमी हो बड़े इज़्ज़त वाले हो और ये ज़िल्लत ये तुम्हारा मुकद्दर नहीं होना चाहिए तुम हमारे पास आओ हम तुमको बड़ा ओहदा देंगे अपने जो है मुसाहिबीन तो में जगह देंगे वहाँ छोड़ो मदीना से इधर चले आओ ईसाई बन जाओ हजरत काब बिन मालिक ने क्या किया कि ख़त को वहीं जला दिया कहा ये अभी तो सिर्फ़ मुआशरे की आजमाइश थी अब ये दीन की भी आजमाइश ये तुम मुझसे गवारा नहीं बिन का मालिक का ईमान पुख्ता था वो खरा उतरा आज अगर आप किसी का काट कर रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि वो दूसरी तरफ चला जाएगा उसका ईमान और ज्यादा खराब हो जाएगा बाकाने वाले रहते हैं माशरे में फिर बाइकाट ना कीजिए लेकिन अगर ये लगे कि उसका ईमान पक्का है बाईकाट का मुसबत असर होगा अच्छा असर होगा और ये काम जो है उसके हक में बेहतर होगा तो दबाव डालना चाहिए समाज का जो है दबाव बड़ा अच्छा दबाव होता है बहुत सारे लोग सुधर जाते हैं लेकिन ये ख़तरा हो कि वो दूसरी तरफ जाएगा दूसरों से मिल जाएगा मर्तद हो जाएगा ईमान ही चला जाएगा तो फिर बाय नहीं है तो ये हिजरते आमिल है यानी अब हिजरते वतन नहीं है अगर शायर इस्लाम का इजहार आप कर रहे हैं जैसे इंडिया में है आप माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते हैं रोज़े भी रखते हैं कुर्बानी भी सब कुछ कोई मसला नहीं है और फिर दूसरे मुल्क में आप जाएंगे तो वहां पर आपको रिफ्यूजी कहा जाएगा पनाह गुजीन कहा जाएगा आपको नेशनलिटी नहीं दी जाएगी तो फिर हिजरत नहीं है अब यहाँ की हिजरत क्या है अगर हिजरत का सवाब आप हासिल करना चाहते हैं हिजरत अमल है यानी आप बुराई को छोड़िए मासी को छोड़िए हजरत आमिल है अगर कोई बुरा आदमी है तो उससे दूर रहिए चाहे महल्ला बदल करके चाहे उसका बाइकाट करके अगर मुनासिब हो तो ये सारी चीज़ें हिजरत के ज़िमन में आती हैं तो हिजरत की जो बरकतें हैं वो बरकतें बहुत ज़्यादा हैं अगर हिजरत ना होती तो दीन हम तक नहीं पहुंचता। आज हम मस्जिद में बैठ कर अल्ला के अल्लाह सुबहान लिए जो है इबादत नहीं कर रहे होते बल्कि कहीं किसी बुतखाने में किसी मूर्ति की इबादत कर रहे होते तो ये हिजरत जो है ही की बरकत है कि अल्लाह सुबहान हमको तोहद दिया दीन इस्लाम दिया अल्लाह सुबहाना से दुआ है कि अल्लाह हमें भी मासी से बचाए गुनाहों को छोड़ने की तोफ़ी दे बुरे लोगों की सोहबत से बचाए बुरे लोगों की बस्ती से बचाए हमें अच्छे साथी अच्छे दोस्त दे अच्छे महल्ले और अच्छे शहर दे, ताकि हमारे ईमान को जो है तरक्की मिले तनजुली ना मिले हमारा ईमान घटे नहीं बल्कि बढ़े आमीन ववानदिल् रबीआलमीन ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्ला